माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि जो भी बच्चे 2024 के नीट के एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं, एक दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि सर एनसीईआरटी बदल चुका है कंप्लीटली। अब जब पूरी तरह से एनसीईआरटी बदल चुका है सर, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है या ओल्ड को फॉलो करना है? सर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना जो है वो अभी एनटीए की तरफ से नहीं है। लोग हवा हवाई कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर कट गए, जैसे केमिस्ट्री की बात करेंगे पी ब्लॉक जैसे चैप्टर को उड़ा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री मेटलर्जी पूरा उड़ा दिया गया है, 11-12 दोनों का पी ब्लॉक उड़ा दिया गया है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पूरा मतलब इनऑर्गेनिक आधा साफ कर दिया गया है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और इनऑर्गेनिक अगर आप देखेंगे तो केवल जो आपके पास है केमिकल बॉन्डिंग बचता है बड़ा चैप्टर, इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास बड़ा चैप्टर बचता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डी ब्लॉक है, मतलब मैक्सिमम इनऑर्गेनिक साफ कर दिया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर को उड़ा दिया गया क्लास 11 से। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एकदम सॉलिड स्टेट 12th का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था उसे भी हटा दिया गया है। तो वैसे स्थिति में क्या सर क्लास 10th के जो क्लास 12th का जो एनसीईआरटी उसमें केवल और केवल 10 यूनिट है, तो क्या 10 ही यूनिट से पेपर आएगा? नहीं, आपको मैं बता देता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कंडीशन आपका क्वेश्चन 2024 का जो आएगा वो पूरा इंटायर सिलेबस जो पहले का सिलेबस है वही नीट का सिलेबस होगा। इस बार जो सिलेबस आ रहा है जो बोर्ड के लिए सिलेबस है वो सिलेबस नहीं होगा। निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि जो नए एनसीईआरटी हैं, जो नए एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वो हाई वेटेज चैप्टर होंगे, और जो ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, मतलब कह सकते हैं जो चैप्टर रिमूव हो गए हैं, वो लो वेटेज के चैप्टर एनटीए की तरफ से रखा जा सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट निकल के आएगा 2024 नीट में। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था 2022 के नीट एग्जामिनेशन में पहली बार आपको एसर्शन रीजन देखने को मिला, फर्स्ट टाइम आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न में वो जो है वो एसर्शन रीजन आ चुका है। अब ऐसी स्थिति जो है तो बोर्ड का पैटर्न का वेटेज जो है उसको नीट में भी इंट्रोड्यूस किया गया, और एसर्शन रीजन हो या स्टेटमेंट हो इसका आपको झलक जो है वो जेईई मेंस में भी देखने को मिला था। तो चाहे आप जेईई मेंस का पेपर लिखने वाले हो चाहे नीट का पेपर लिखने वाले हो, आपको कॉमन एक बात बता दूं कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो कुछ चैप्टर है, मतलब जो न्यू एनसीईआरटी में जो चैप्टर रिमूव हो गए वो आपके लो वेटेज हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो चैप्टर इस टाइम है उनके वेटेज ज्यादा है, उनसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बनेगी, इसलिए पहले आप जो न्यू एनसीईआरटी उनके चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लो, देन जो लो वेटेज के चैप्टर आते हैं उसको जाके कवर करो। तो एटलीस्ट मान के चलना कि यही प्रोग्राम रहेगा। दूसरी बात आपको बताता हूं कि 2024 की बात अगर करोगे तो 2024 में अभी तक जो दिख रहा है वो लगभग 40 प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड होने जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर अंदर, और उसके अलावा लगभग 38 प्राइवेट कॉलेज जो है वो भी इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, मतलब 60-70 मेडिकल कॉलेज जो है वो 2024 में जुड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में कटअप में बहुत बड़ा वेरिएशन 2024 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सारे इस साल के अवेटेड कॉलेज हैं जो एफिलिएशन के लिए गए थे लेकिन जिनको रिजेक्शन मिला हुआ है, या कुछ के एफिलिएशन लास्ट राउंड तक हो सकता है हो जाए। तो वैसे स्थिति में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2024 बिल्कुल फोड़ के आना है, तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा। आप बिल्कुल नहीं चुकना, आपको फोड़ के आना है तो फोड़ के आना है। थैंक यू।